तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद रिस्पेक्ट टू मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, जिसे आप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोग ने जो दो तीन टोटल तीन ट्रेंड होते हैं, एक होता है एटॉमिक रेडियस, एक होता है वैलेंसी, एक होता है मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जिसमें से हम लोग ने एटॉमिक रेडियस और वैलेंसी देख लिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वीडियो को देखकर तब इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो आपको ये इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ वैल्यूज रहेंगे जो उससे रिलेटेड वहां पर मैंने बताए हुए हैं। देखिए, जब भी मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात बोलता हूँ, ध्यान रखना, जब भी मेटालिक कैरेक्टर बोलूंगा तो उसके साथ आता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो समझो मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम, ये क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका चार्ज क्या हो जाता है? +2। तो ये जो मेटल था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव आयन। इसीलिए इसको हम लोग दूसरा नाम, मेटालिक कैरेक्टर को दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अच्छा, अभी हम लोग ये जो ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ये ट्रेंड हम दो जगह पढ़ रहे हैं, एक पीरियड में पढ़ रहे हैं, दूसरा ग्रुप में। क्यों? क्योंकि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप से, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा किससे है? ग्रुप से है। जब मैं मेटालिक, अभी फिलहाल मेटालिक कैरेक्टर बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जब मैं ग्रुप में मूव करता हूँ, अच्छा ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो समझो फर्स्ट वाला ग्रुप ही लेते हैं हमारा, ह ली ना के आर बी सीज फरार, 1, 3, 11, 19, यहीं तक काम है, बाकी ये इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। इसको आप क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। तो जब भी मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूँ, डाउन द ग्रुप में मूव कर रहा हूँ, तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा भाई? बढ़ेगा कि कम होगा? वो मुझे देखना है। दो चीज़ें होंगी, एक डाउन द ग्रुप, एक होगा अक्रॉस द पीरियड। जब मैं डाउन द ग्रुप मूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, डाउन द ग्रुप में मूव कर रहा हूँ, तो इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट शेल में 2.1 एक इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट शेल में 2.8.1 एक इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट शेल में 2.8.8.1 एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर रहे हैं, बराबर है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बट कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये एकदम इजीली डोनेट करेगा कि ये डोनेट करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। भाई देखो, अगर समझो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ट्यूशन्स हम पढ़ाते हैं, जब भी आप क्लासेस की बात करो, जब आप क्लासेस में जाते हो, अगर समझो वहाँ पर एक साथ 100 लोग बैठे हैं, तो भाई मेरा ध्यान सब पे रहेगा क्या? सब पे नहीं रहेगा। स्टार्टिंग के जो 50 लोग हैं उन पे ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा, बाकी के लोग कुछ भी करें अपने को कुछ मतलब नहीं है, बराबर। वैसे ही जब आप इसकी बात करते हो, इनके पास अगर कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। ध्यान ज़्यादा रहेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ईजीली लूज़ नहीं करेंगे, मतलब उसको एकदम तेज़ी से पकड़ के रखेंगे, तो इनका साइज़ भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस में देखा था कि इनका साइज़ क्यों छोटा रहता है। उसके बाद जब मैं लिथियम के पास जाता हूँ, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिथियम के पास थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूँगा, हाइड्रोजन और लिथियम को, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? लिथियम देगा। चलिए, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, गर्दी बढ़ रही है, तो ध्यान क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जब मैं फ्रांशियम पे पहुंचूंगा, फ्रांशियम में गर्दी सबसे ज्यादा रहेगी, तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको भागने में बहुत आसानी रहेगा, फटाक से ये निकल जाएगा। तो सबसे, अगर ये पूरा आपको लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? ये दे सकता है। तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे इस ग्रुप वन में, तो ये जो आपका रहेगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है? बहुत जल्दी ही ये प्लस वाले आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर समझो आपने एक कप लिया है, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स को रखा है, तो इनमें सबसे पहले कौन कन्वर्ट होगा? ये। उसके बाद कन्वर्ट होगा सीजियम, फिर कौन? रुबीडियम, फिर कौन? पोटाशियम, फिर कौन? सोडियम, फिर उसके बाद कौन आएगा? लिथियम, फिर आपका आएगा हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। तो जब मैं डाउन द ग्रुप मूव करूँ, तो मेरा
मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? भाई मेरा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या? आसानी से इलेक्ट्रॉन को देना। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज, ये आपका स्टेटमेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से सुनने का, क्या बोला मैंने? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्या बढ़ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस आपको समझ में आया? एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। ध्यान दीजिए, हमें दोनों पार्ट लिखना है। जब आप मेटालिक कैरेक्टर की बात करो उसी के साथ आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर की भी बात करनी है। अच्छा ध्यान से बताइएगा मुझे, मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा, पक्का? ध्यान से सुनना, मेटालिक कैरेक्टर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगा? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्या रहेगा? डिक्रीजेस। अच्छा ये क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहां पर आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो जैसे मेटालिक कैरेक्टर के साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ रहा था, वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा, जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि कौन सा एलिमेंट कितने जल्दी प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो कब प्लस फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होगा? जब उसके पास कम लोग रहेंगे, जब उसके पास ज्यादा लोग रहेंगे। जब कम लोग रहेंगे तो वो सब पर ध्यान देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से भाग नहीं सकता। लेकिन अगर ज्यादा लोग हैं तो लास्ट वाले शेल पर उसका ध्यान नहीं रहता है। लास्ट वाले शेल पर अगर ध्यान नहीं है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जा सकता है, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो हलीना के आरबीसी स्वर पड़ा, हलीना के आरबीसी स्वर, तो इसमें जो लास्ट वाला है ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। और ये तो एग्जाम में आपको ऐसे सीक्वेंस देंगे, बोलेंगे लीना के एच, ये चार एलिमेंट बोलेंगे, फाइंड द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो क्या करने का, पहले इसको अरेंज करो। अरेंज करोगे तो हलीना के दिख रहा है, के है क्या? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और अगर पूछा फाइंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो एच आपका क्या हो जाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप समझ में आया। डाउन द ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी बढ़ेगा। अच्छा, और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ एक और चीज कौन आती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड। अब हम देखेंगे पीरियड्स। तो चलिए देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के जो ट्रेंड्स है वो हम किस में देखेंगे? पीरियड्स में देखेंगे। जब मैं पीरियड की बात करता हूं तो ये मैंने कौन सा पीरियड बताया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे निकालते हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियो को जाकर जरूर देखिए, आपको पीरियड और ग्रुप पता चल जाएगा। वैसे ये सारे एलिमेंट जो है ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ने ना ग्रुप का देख लिया। ग्रुप का दिमाग में रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं पीरियड में मूव कर रहा हूँ, पीरियड में मैं क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। पीरियड में मूव करूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2.1 होगा। इसका कितना होगा? 2.2 होगा। इसका कितना होगा? 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और ये होगा 2.8। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लास्ट वाले में क्या था? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था तो बहुत आसान था, इजीली दे दे रहा था। बट जब आप पीरियड में मूव करते हो तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे
तो इलेक्ट्रॉन को देना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा मतलब क्या, कि अगर ये है तो ये बंदा आराम से दे सकता है क्योंकि उसके पास तीन ही लोग हैं, तो लास्ट वाले को वो आराम से दे देगा, ये भी लास्ट वाले को आराम से दे देगा। बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये पाँच है, मैंने क्या बोला था, पाँच इलेक्ट्रॉन रहता है तो देता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो ये पाँच इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा क्या, नहीं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे मूव करूँगा तो इलेक्ट्रॉन का जो देने वाला टेंडेंसी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का पावर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। तो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जब अक्रॉस द पीरियड आप मूव कर रहे हो तो आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से सुनने का, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनका जो वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। कहाँ तक ही शो कर रही है, खाली यहीं तक शो कर रही है, इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या, इलेक्ट्रॉन देना, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना। यहाँ वाला देखो सब हावड़े लोग हैं, सब ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा अक्रॉस द पीरियड क्या आएगा, एज वी मूव across the period, across the period जब आप move करोगे तो non metallic character क्या होगा आपका, पहले metallic character की बात करते हैं, metallic character decreases। अच्छा, अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर के साथ एक कौन आता है बंदा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो मेटालिक कैरेक्टर का डिक्रीज हो रहा है तो नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑल्सो डिक्रीज। इसको आपको ध्यान रखना, इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। अब हम इसी को मूव करेंगे कहां पर, मूव अक्रॉस द पीरियड हो गया, ये हमने मेटालिक कैरेक्टर की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड ये मेटालिक हो गया, अब नॉन मेटालिक आएगा। तो मेटालिक अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो नॉन मेटालिक क्या होगा भाई, बढ़ेगा, क्योंकि एक कम होता है तो दूसरा बढ़ेगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा, अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है भाई, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो नॉन मेटालिक के साथ और कौन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ेगी कि कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ध्यान से सुनना, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको बोला जाएगा वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डैश, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डैश, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा, नॉन मेटालिक नहीं पूछा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेंगे, तो कन्फ्यूज होने का नहीं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर याद रखो, उसके साथ भाई कौन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर याद रखो, उसके साथ कौन आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। और एक क्वेश्चन क्या देंगे आपको, ऐसे एलिमेंट देंगे, बोलेंगे अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग order of their metallic character, या फिर on the increasing order of their electronegativity। तो ऐसे elements दे दिए electronegativity में arrange करने के लिए, आपको क्या करना है, serial wise arrange कर दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। But जब ये आपको group में दिया रहेगा तो group के elements आपको याद होने चाहिए कि group में कौन सा, group 1 में कौन से element आते हैं, group 2 में कौन से element आते हैं, group 13 में कौन है, 14 में कौन है, 15 में कौन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक short video बनाता हूँ जिसमें आपको एक एक group के elements आपको by heart करवाऊंगा। तो आप आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आया। अब इसका ना एक हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि जब आप पीरियड में मूव करते हो, ग्रुप में मूव करते हो, तो क्या होता है। देखिए, ये मेरा क्या है, पीरियड, और ये मेरा क्या है, ग्रुप। अच्छा, जब मैं पीरियड में मूव कर रहा हूं, पीरियड में मूव कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, फिर मेटालिक कैरेक्टर के साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करेंगे, उसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ये पूरा एक रिकैप होगा जिससे आपको एक ही बार में सब कुछ समझ जाएगा। जब मैं पीरियड में मूव कर रहा हूँ, ये सारा वैल्यूज कहाँ का है, पीरियड का है। जब मैं पीरियड में मूव कर रहा हूँ तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये दोनों सेम सेम भाई लोग हैं, तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का दूसरा भाई कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी क्या होगी, मेरी इंक्रीज होगी वैल्यू। आइए अब ग्रुप को जब आप चेकआउट करोगे तो ग्रुप में भी हमको सेम करना है। पहला हमको लेना है मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। फिर भाई हमारा कौन आता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फिर हमारा कौन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए देखिए, जब मैं ग्रुप में मूव कर रहा था तो मेटालिक कैरेक्टर मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीजेस। और ये दोनों भाई लोग क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नॉन अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।